एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग एक्चुअली सुबह सुबह निकल गए थे, बाय 5:30 सब लोग आधी नींद में थे। ये देख लो, ये बाल बनाए जा रहे हैं अभी और बाकी सब लोग आगे हैं। हम लोग यहाँ पे ढाबा पे रुके, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग यहीं पे स्टार्ट कर देती हूँ। मैं भी जस्ट ऐसे ही उठ के आ गए, हम लोग पूरे इतने नींद में थे, नींद आ रही है यहाँ, बहुत ज़्यादा नींद में थे। अभी हम लोग ढाबा पे रुके, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम, ये रहा ये है। तो वी आर गोइंग फ्रॉम जयपुर टू चंडीगढ़, उसके बाद हमारा मेन डेस्टिनेशन है। आप समझ ही जाओगे अगर आप लोग इंडिया में रहते हो, कुछ सरप्राइज रखने वाली बात नहीं है। तो वी आर गोइंग टू शिमला फर्स्ट, उसके बाद पूरा टूर होगा हिमाचल का, विल बी गोइंग टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो सबसे पहले जाएंगे हम शिमला। आज प्लान है हमारा 7 टू टच शिमला, फिर वहाँ पे होटल लेंगे, बाकी ऑन द वे आपको बता देंगे। ऑल्सो अगर आप लोग को जानना दैट वाई वी आर गोइंग बाई रोड एंड कैसे ट्रिप प्लान करी, वो तो आप ब्लॉग्स में देख लेना। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा दैट हाउ वी आर प्लानिंग इज ग्रेट एंड यू ऑल वॉन्ट टू नो अबाउट इट, तो मैं आप सबको इन ब्लॉग्स डेफिनेटली बता दूंगी। तो अभी हमारा पहला क्या ड्राइविंग ब्रेकफास्ट फर्स्ट। ऑलरेडी इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है दैट आई एम जस्ट थिंकिंग दैट वी डिडंट इवन टच चंडीगढ़ टिल नाउ, वी डिडंट इवन टच दिल्ली टिल नाउ, वी आर स्टिल ऑन द वे टू दिल्ली। सो यू डोंट वांट टू सिट एट द बैक ऑफ द कार। तो इस वाली होटल में यहाँ पे सबवे भी है और रेहान और फरहान को सबवे खाना है, तो आई थॉट कि चलो इन लोग को सबवे दिला देते हैं। और हमने अपने लिए आलू पराठा एंड ऑल ऑर्डर कर दिया, तो लेट्स सी कैसा होता है। सबवे का तो टोस्टर ही नहीं चल रहा है, बंद है, तो सबवे का तो नो चांस। तो ये है मक्खन, दिस इज दही, आलू का पराठा, पाव भाजी, वो लोग छोले भटूरे। सो खाना खा लिया और यहाँ पे एक ये बाहर जाने की थोड़ा सा गार्डन एरिया था, सो आई जस्ट थॉट कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर जाते हैं और थोड़ी बहुत पिक्चर्स ले लेते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, एंड दिस इज़ द गार्डन। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेंगे एंड देन फिर वापस यू हैव टू लीव। सिर्फ 20 मिनट्स का ब्रेक लेना था, आई थिंक इट्स ऑलरेडी बिन 30 मिनट्स। हाउ वाज़ द फूड? या बट मैडम वेयर मास्क। ओके, दिस सुपर क्यूट यार। सो अभी सीन ये है दैट सबकी फाइट चल रही है कि कौन जाने वाला है डिग्गी में, हाँ पीछे वाली सीट पे, बिकॉज ये गाड़ी हो चुकी है सामान से पूरी फुल। पीछे दे आर फाइटिंग नॉट टू गो बैक, यू नीड टू गो बैक एटलीस्ट फॉर द हाफ ऑफ द वे। साढ़े 3 घंटे के आसपास और लगेंगे चंडीगढ़ में। हाँ सब लोग ये टहलते हैं, रुक गए टहलने, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुक रहे हैं टहलने के लिए, सभी रुकते हैं, मतलब इसमें क्या है आप लोगों को किसी को भी थकान नहीं है। हाँ तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर टहल लेते हैं। तो हम निकले थे 5:30 बजे एंड इट इज राइट नाउ गोइंग टू बी 11। सभी मैं, फरहान और मेरी जो सिस्टर है, हम लोग यहाँ पे टहल रहे थे और नीनी मैविश एक्चुअली सो रही है, और जो ड्राइवर अंकल है वो भी, उनको भी थोड़ा सा हमें रेस्ट देना था बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ बिन ड्राइविंग। हम तो शायद पीछे रेस्ट सो जाएंगे बट ही नीड्स रेस्ट, सो दैट्स व्हाई ही इज़ चिलिंग हियर। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, लेट्स गो। चलो फिर निकलते हैं, लेट्स गो गाइस। ये देख लो गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा मेस्ट अप हो रखा है, एंड हियर इज मैविश। मैबू बुलीज। तो ये है सनफ्लावर सीट्स विच वी आर गोइंग टू हैव, इफ यू गाइस डोंट नो दिस इज हाउ इट लुक्स, सनफ्लावर सीट्स। ये ट्रैवल के टाइम बेस्ट टाइम पास है। तो अभी हम बताएंगे आपको कि इसको खाते कैसे हैं, बताओ। ये लिया, ठीक है, किया ये क्या हुआ, ये जो अंदर निकलेगा ना इसके अंदर जो होगा वो खाना है आपको। तो अभी हमारा ये थर्ड स्टॉप है, पूरे टाइम सो रही थी गाड़ी में और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। वी जस्ट टुक अ फ्रेश जूस, रास्ते से अभी फ्रेश जूस लिया और यहीं पे आके कहीं पे हम लोग बस थोड़ा सा टहल रहे हैं अगेन बिकॉज बेड बैठ के बहुत हालत ख़राब हो गई है। यू आर ड्रॉपिंग इट डाउन, आई यू ड्रॉप्ड इट, यू मूव्ड योर हैंड। तो बस अब 1 घंटा और है फॉर चंडीगढ़ एंड देन उसके बाद 3 आवर्स ड्राइव टू शिमला, तो इन शॉर्ट 4 मोर आवर्स आई थिंक हो जाएगा। वी नीड टू कवर इट टुडे इटसेल्फ, अगर पॉसिबल हुआ तो आज मॉल रोड घूमेंगे शिमला में
अगर नहीं तो या फिर आज रेस्ट ही करेंगे एंड देन टुमारोज डे इज गोइंग टू बी शिमलाज डे. सो लेट्स चिप्स खा रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. ऑलमोस्ट रीच टू कालका. तो अभी हम लोगों ने ये फ्रूट्स लिए हैं ऑन द वे. This is the resort in which we are going to stay. Actually, ये हमारा room नहीं है. We are going to check in soon. It's already 7 and we did not have anything. तो अभी फटाफट से check in करेंगे and then फिर यहीं से कुछ ना कुछ order कर लेंगे and yeah, that is the plan as per now. Super tired. चेंज भी हो सकता है. नहीं नहीं, बस सीधा जाके सो जाएंगे अब और कुछ नहीं. ओके सो हमने होटल में चेक इन कर लिया है. आई नो मैं बिल्कुल भी आज व्लॉग नहीं कर पाई हूँ बिकॉज सिर्फ ट्रैवलिंग था आज के दिन. पूरा 12 से 13 घंटे हमने सिर्फ ट्रैवल किया नॉन स्टॉप. इवन लंच भी नहीं किया था ऑन द वे. वी जस्ट हैड फ्यू चिप्स एंड एवरीथिंग एंड जस्ट हैड ब्रेकफास्ट. मैं विश एक्चुअली अभी सो चुकी है. आई शो यू ऑल नाउ. बहुत ज़्यादा मतलब शी पास्ड आउट लिटरली. जैसे हम लोगों ने चेक इन किया थोड़ा बहुत उसने फ़ोन यूज़ किया एंड शी जस्ट पास्ड आउट. आई एम ऑल्सो कम्प्लीटली मतलब मुझे देख के आप लोग समझ रहे होंगे दैट आई एम रियली रियली टायर्ड. तो आई एम गोना स्लीप नाउ एंड टुमारो इज़ प्लान टू एक्सप्लोर शिमला. तो देखते हैं कैसे एक्सप्लोर करते हैं. कुछ प्लान्स हैं वो एक्सिक्यूट करते हैं एंड देन क्या एंड देन आई एम गोना अपडेट एवरीथिंग टू यू ऑल. आई डोंट नो कि ये व्लॉग एक सेपरेट व्लॉग जाएगा कि इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट व्लॉग. जो भी होगा आप लोग अभी देख रहे होंगे तो इट मीन्स इट्स अ सेपरेट व्लॉग. तो वी हैव डिसाइडेड टू स्टे वन डे इन शिमला एंड नॉट मोर बिकॉज एक्चुअली एज पर एवरी वन देर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लोर इन शिमला. तो ज़्यादा दिन देने का कोई मतलब नहीं है शिमला में. रादर देन दैट वी हैव गिवन दैट वन एक्स्ट्रा डे टू द अदर स्टेट. सो आपको एट द एंड पता चल जाएगा. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर. आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो एंड अगर पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई एम गोना सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग एंड या बाय बाय गुड नाइट.